कूद जाते तो कोई नहीं आता आपके कूदने अच्छा के बाद। मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा ना, शांति मिलेगी सबको। क्या कर लोगे आप, क्या करोगे? शायद आपको बचा लूं। कैसे बचा लूं? पानी में कूदने से। और अगर नहीं आप में दम कुछ करने का तो जाके कूद जाइए पानी में। माँ बाप क्यों पैदा करते हैं? मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? ज्यादा परेशान हो चुका, मेरा दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हेलो एक्सक्यूज मी भैया, मेरे को नहीं करनी यार बात। भैया मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, मुझे ना डर लग रहा है। आप शायद, मुझे लग रहा है कि आप परेशान हैं और पानी में आप मुझको। मैडम जाइए आप, प्लीज जाओ आप यहाँ से। तो क्यों, क्या हुआ है भैया ये बताइए। जाओ मैम, जाओ ना आप यहाँ से। नहीं मेरे को कुछ पता क्या हुआ है, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं और मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। मैम परेशान ही रहने दो ना, फिर मुझे परेशान लग रहा हूँ तो क्या हुआ है? आप पानी की तरफ क्यों जा रहे हैं ये बताइए पहले। आप प्लीज नीचे। मैम आप प्लीज जाइए यहाँ से, मेरा मत दिमाग खराब करिए, मेरा पहले बहुत दिमाग खराब है, प्लीज आप जाओ यार। आपका दिमाग खराब है तभी मैं आई हूँ, अगर आप ठीक होते तो मैं नहीं आती। आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हो, परेशान लग रहे हो बहुत ज्यादा, और आप यहाँ खड़े होके तो बहुत ज्यादा मुझे और ज्यादा टेंशन हो रही है कि कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। भैया क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं पहली बहुत परेशान हूँ। एक मिनट आप नीचे आइए। नहीं आ रहा, मैं नहीं आना चाहता। अच्छा हुआ? क्या बताओ, यहीं से बता दो। हुआ क्या है ये बता दीजिए बस। क्यों, मेरा फैमिली मैटर है, मैं क्यों बताऊँ? फैमिली मैटर है ठीक है, लेकिन आप यहाँ खड़े होके और पानी के पास आप बात कर रहे हैं और डर रहे हैं, मतलब डरा रहे हैं दूसरों को, तो वो डर लग रहा है। कोई बात नहीं मैम, नहीं रहूंगा ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरी जिंदगी में। क्या नहीं, नहीं रहूंगा वो ज्यादा। बस यही तो है कि नहीं रहने वाली बात तो मुझे लग रही थी कि प्लीज आप जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो? एक छोटी बहन के नाते आप एक मिनट बात कर सकते हो? आप क्या करोगे? एक मिनट से बात करके क्या करोगे? एक मिनट नीचे तो आइए प्लीज, एक मिनट भैया, एक मिनट। छोटी बहन समझ के ही बात कर लीजिए। क्या हुआ है भैया ये बता, बोलो। बैठिए मैम, मत बोलो। मैं बैठ नहीं रहा, बता दो ना। मैम मत बोलिए बहन, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। हुआ क्या है यही तो बस पूछने आई हूँ, यही और कुछ नहीं करने आई हूँ। एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बस इतना पूछ रही हूँ। मैम कुछ नहीं हुआ, बस मेरी लाइफ में ना, मेरी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है और मेरे को रहना ही नहीं आता। देखिए अगर सब कुछ परफेक्ट होता और सब कुछ ठीक होता तो मैं आपके पास नहीं आती, और शायद ही कोई भी नहीं आता। पार्क में इतने सारे लोग हैं, आप यहाँ पे खड़े होकर चिल्लाए जा रहे हैं, फोन पे बात कर जा रहे हैं, और शायद ऐसा है कि आप पानी में भी कूद जाते अभी 2 मिनट बाद ही, 2 मिनट भी नहीं लगाते आप तो। कोई किसी से किसी को मतलब नहीं है, प्लीज आप जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज जाओ मैडम, प्लीज। अगर डिस्कशन वाला मैटर है तो आप एक बार मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि हुआ क्या है बस। क्या कर लोगे आप, क्या करोगे? शायद आपको बचा लूं। कैसे बचा लूं? पानी में कूदने से और कुछ नहीं। ऐसे कैसे बचा लोगे, तो आप बचा लोगे? बस एक इंसान तो हो ना, किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट। क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते आप मेरी लाइफ में। बात करके हर इंसान बात करके निकल जाता है बस, और कुछ नहीं करता। देखिए निकल तो जाता है, शायद आप अगर यहाँ पे अगर आप कूद जाते तो कोई नहीं आता आपके कूदने अच्छा के बाद। मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा ना, शांति मिलेगी सबको। आपके कूदने के बाद ही सब लोग आते, आप कूदने जा रहे हैं तब तक कोई नहीं आया। क्यों रो रहे हैं आप भैया? आप जाओ, एक मिनट शांत होइए। आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिल्ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बताइए आप क्यों रो रहे हैं इतना ज़्यादा, क्या परेशानी हो गई है? क्या करोगे आप बताने से? आप पानी में कूदने से आपको बचा सकती हूँ, और शायद आपकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हूँ। अगर नहीं होगी तो आपको थोड़ा तो सजेस्ट कर सकती हूँ, इतना है बस और कुछ नहीं। मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? किस चीज़? मैं फेल हो रहा हूँ बार बार, IAS का एग्ज़ाम है मेरा, 2 बार मैं कर चुका हूँ, दोनों अटैम्प्ट में फेल हो चुका हूँ। अब मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा ना मेरे से एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो इस पानी में कूदने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? मैम क्या करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा इतना सा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। छोटी बहनें, उनकी शादी करने, सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पे है। कौन कौन है? कैसे रहूंगा, मेरी 3 छोटी बहनें हैं, सबसे बड़ा मैं हूं अपने घर में, और मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा हैं, अच्छा तो एक बस मुझे इतना सा जवाब दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना खर्चा किया मेरे ऊपर, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अच्छा रोइए तो नहीं भैया, सुनिए मेरी बात। अच्छा एक मिनट भैया, रोइए नहीं, एक मिनट बात कर लीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, 2 मिनट बस मुझसे बात कर लीजिए। ये पानी में कूदने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मुझे बता दीजिए, क्योंकि आगे मैं और क्या करूं, फिर मैं क्या करूं, मेरे आगे मैं हो रहा ना, मैं कोशिश कर चुका हूं। आगे मैं और लोगों को भी बता दूंगी कि आप इस वाली पानी में आई और आपके पानी में कूद के आपका IAS का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और आई थिंक मैं भी एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी। मैम फिर मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मैं हार चुका हूं, मैं ना मैं कूदना चाहता हूं, बस मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा तो मैं कहीं और। अच्छा फैमिली के एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, ठीक है, इतनी उम्मीदें आपकी फैमिली ने आपसे जोड़ रखी हैं, आपकी 3 छोटी-छोटी बहनें बता रहे हैं। मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मैं इतनी कोशिश कर चुका हूँ, क्लासेस ले चुका हूँ, बट मेरे से नहीं हुआ, मेरे 2 बारी में, मेरी एज भी निकल रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो पानी में कूदने से आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, आप मुझे इतना बताइए भैया। हो रहा मैम, बट मैं क्या करूँ ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी फैमिली मेरे से उनकी ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो भैया मैं नहीं जा सकता, घर पे भी नहीं जा सकता, मैं क्या बोलूँगा? अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो ये बताइए कि आप जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाएंगे, एक एग्जाम ही रह गया आपकी जिंदगी में, मेरे को कोई नौकरी, कोई कमाई, कोई कुछ नहीं बचा आपका जरिया जिंदगी का।
मैम मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन भी यही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूँ, मेरे को प्राइवेट में। तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब पानी में कूदने से नहीं होगी। आपकी छोटी बहनें बता रहे हैं उनकी शादी करनी है, आपके मम्मी पापा आपके उम्मीद के ऊपर बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल उम्मीद तोड़ के जा रहे हैं। अगर आप 100 नहीं दे सकते तो 10 रुपये तो देंगे ना आप उनको कमा के? गवर्नमेंट जॉब ना सही, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ। समझ क्या नहीं आ रहा, क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब ही मुझे चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली उनका प्रेशर भी है मेरे ऊपर कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उन्होंने इसीलिए मेरे ऊपर इतना खर्चा किया है। छोटी बहनें क्या करती हैं? वो भी स्कूल में है, सबसे छोटी वाली भी स्कूल में है और जो सबसे बड़ी वाली अभी वो सेकंड ईयर में है। और एक और वो भी स्कूल में है। अच्छा, 12th में ये दोनों। तो मतलब इतना आपने उम्मीद छोड़ दी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बिल्कुल मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने ना बहुत कोशिशें कर ली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे क्लियर करूँ? तो आप पानी में कूद जाइए, जाइए, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो। मैं बोल रही हूँ आपको जाके पानी में कूद जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आप में बताओ ना फिर मैं क्या करूँ? अगर आप में दम नहीं है कुछ करने का तो जाके तो कूद जाइए, आप जाइए जाइए। अगर नहीं आप में दम कुछ करने का तो जाके कूद जाइए पानी में। माँ बाप क्यों पैदा करते हैं, क्यों इतना अच्छा पढ़ा लिखाते हैं बच्चे को, यही करने के लिए? एक छोटा सा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है सिर्फ इसीलिए? और पानी में कूद जाओ, और कुछ नहीं करना जिंदगी में। मैं क्या करूँ फिर? माँ बाप की उम्मीद सारी तोड़ दो। उनकी उम्मीद पे तो नहीं मैं खड़ा उतर पा रहा। तो कितनी बार आपने एग्जाम दे लिया? छोटी बात नहीं आई ऐसी एग्जाम, ठीक है? पढ़ना पड़ता है, दिन रात एक करने पड़ते हैं। नहीं कर सकता मैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता। तो ठीक है, नहीं कर सकते तो टाइम दीजिए, अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए। एक बार नहीं होगा, चार बार नहीं होगा, होगा तो होगा ना। मेरी एज भी निकल रही है मेरे को, इसलिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कितने एग्जाम बच रहे हैं अभी आपके, कितने बच रहे हैं? एक और रह गया बस। एक और रह गया, तो इस बार और पढ़ के देखिए, ठीक है? और ज़्यादा ट्राई करके देखिए कि अगर आप पढ़ पा रहे हैं और निकाल पा रहे हैं एग्ज़ाम, तो करके देखिए। ये मत सोचिए कि मैं पढ़ नहीं पा रहा और मैं कुछ कर नहीं पा रहा तो मैं मर जाऊँगा। जितना कर सकते हो उतना तो रहने दो, ये हाथ पर भगवान ने सही सलामत दी है, उसको तो करो इस्तेमाल। मैम कैसे करूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ना, मैं क्लियर मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्लासेस ले चुका हूँ, मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रही मैं कैसे करूँ। तो कैसे होगा, खुद से पूछो क्या कमी हो रही है, पूछो ना खुद से कि क्या कमी हो रही है, क्या कमी नहीं हो रही, तो जाओ पानी में कूदो जाके। तुम लोगों का बस यही है, मरने को तैयार हो जाते हैं कुछ बस की होता नहीं है। अगर कोई समझाए तो उसकी भी बस तो क्या होता है, बात बुत के करके चला जाएगा। मैम फिर मेरी फैमिली को आप समझा दीजिए जाके। क्या समझा दूं आपकी फैमिली को? फैमिली को आपसे वैसे आपकी फैमिली को आप ही समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकती क्योंकि आप उस फैमिली के मेंबर हैं। सलूशन नहीं मिल रहा अभी, मैं क्या करूं? तो बोलो, माइंड भी मेरा काम नहीं कर रहा। अपने आप से पूछो कि कहां गलती हो रही है, कहां गलती नहीं हो रही है, अपने आप से पूछो। मैं पढ़ भी रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक घंटा अपने आप को दो सिर्फ, बिना पढ़े बिना कुछ करे, माइंड को बिल्कुल रिलीफ करके पूछो कि कहाँ गलती हो रही है मुझसे। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, तो अपने आप से पूछो कि गौरव तुझमें कहाँ कमी हो रही है, कहाँ कमी नहीं हो रही है, अपने आप से एक बार पूछो तो सही। ये थोड़ी ना कि बस पानी में कूद जाओ, यही सॉल्यूशन नहीं होता है। पढ़ो, क्या करूँगा? अपने आप से जब तक नहीं पूछोगे तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप ही जानते हो आपकी कहाँ कमी हो रही है, तो एक बार अपने आप को टाइम दो, अपने आप से चैलेंज करो कि ये लास्ट है मेरा, अगर नहीं हुआ तो आके पानी में कूद जाना। बट अगर अपने आप में कमी ढूंढ ली तो मैं गारंटी दे रही हूँ आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। मैं बहुत कोशिश करी है, मैंने बहुत कोशिश करी है, मैंने अपने एग्ज़ाम देके मैं क्लासेस भी ले चुका हूँ, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, बट ये थोड़ा सा लास्ट में रह जाता हूँ मैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा, एक बार अपने आप से बात करो, अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने आप से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो, और अगर इस बार टाइम दे दोगे तो सच में, लास्ट टाइम कोशिश करूंगा, सच में के बाद मेरे से नहीं होगा, मैं थक गया हूं। अगर अपनी कमी ढूंढ ली तो एग्जाम क्रैक कर जाओगी, ये मैं कह रही हूँ। पानी में कूदना सॉल्यूशन नहीं है, घर जाओ, फैमिली को समझाओ, मरना सॉल्यूशन नहीं है हर चीज़ का। तुम लोग इतना क्यों नहीं समझते हो? सॉल्यूशन नहीं है, बट मैं हर तरफ से फंस गया था, मैं क्या करूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था, मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा। खड़े हो, घर जाओ, ठीक है? घर तो मैं चला जाऊंगा, बट मेरे को, मैं अपनी फैमिली को क्या बोलूँगा? बोलना बस एक चांस और, अगर खुद में दम है आप में तो, वरना रहने देना। अगर खुद में दम है तो क्रैक कर लोगे। मैम दम तो बहुत है खुद में, तो बस एक चांस और फैमिली से मांगो, एक चांस और फैमिली से मांगो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और खुद में हौसला बना दो। और जिस दिन क्रैक कर जाओगे ना, उस दिन मुझे याद करोगे कि हाँ, अगर शायद पानी में ना कूदा होता सही रहे, बचा लिया मुझे आज किसी ने आके। तो बस इतना ध्यान रखना कि पता नहीं कौन आके मुझे रोक गया है पानी में, और मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, और मैं गारंटी दे रही हूँ आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे।
ठीक है, अपनी फैमिली का जो उम्मीद है वो सहारा मत तोड़ो, अगर कुछ करके नहीं दे सके। नहीं मैम, मैं करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ, बट मैं इस टाइम, अब आपने मेरे को मोटिवेट किया तो मैं लास्ट टाइम ट्राई करूँ, ठीक है। और मरना सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का, उम्मीद मत तोड़ो अपने मम्मी पापा की, जाओ घर। थैंक यू मैम, कोई बात नहीं, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, जाओ घर, जाना सीधा और कुछ मत सोचना।